जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का मैच नंबर 37 सामने पंजाब किंग्स वर्सेस हैदराबाद। आप सभी को बता दें दोस्तों, इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करी सनराइजर्स हैदराबाद ने। कोई नहीं कह सकता कि ये टीम सबसे आखिरी में पॉइंट्स टेबल पे 8वें नंबर पे, लेकिन आप सभी को बता दें कि जब इस टीम का टॉस हुआ दोनों टीमों का, तो यहाँ पर प्लेइंग 11 में काफ़ी बदलाव नजर आए पंजाब किंग्स के, जिसकी वजह से लगा कि आज का मैच पूरी तरीके से पंजाब किंग्स के ही पलड़े में झुका नजर आएगा। एक तो सामने हैदराबाद की टीम जो पहले से ही 8वें नंबर पे, उसके सामने पंजाब किंग्स अगर क्रिस गेल को उतार दे तो समझ जाइए कि कितनी खतरनाक यहां पर टीम नजर आएगी मैदान पर। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हैदराबाद की गेंदबाज बिल्कुल भी घबराए नहीं और इन्होंने इस मैच में बाजी पूरी अपनी तरफ झुका के रखी शुरुआत से। आइए आपको दोस्तों पूरी जानकारी देते हैं कि शुरुआत में क्या देखने को मिला। फर्स्ट इनिंग के दौरान हमने क्या देखा शारजहां के शानदार स्टेडियम में हुए फर्स्ट इनिंग के दौरान इस खेल में, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि यह मैच नंबर है 37 पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, शारजहां क्रिकेट स्टेडियम शारजहां का यह मैदान, जहां पर टॉस के समय सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ने जीता टॉस और पहले किया गेंदबाजी का फैसला, यानी कप्तान केन विलियमसन ने पहले किया गेंदबाजी का फैसला और उनकी जब प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट हुई तो ज्यादा कुछ बिना बदलाव के नजर आई, जहां डेविड वॉर्नर, वृद्धिमान शाह, केन विलियमसन, मनीष पांडे, केदार जाधव, अब्दुल समद, जेसन होल्डर, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, खलील अहमद नजर आए। तो वहीं सामने पंजाब किंग्स से नजर आए केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, और साथ ही साथ एडन मरक्रम को भी खिलाया गया इन्होंने, क्योंकि निकलस पुरन भी खेले, दीपक हुडा भी खेले, हरप्रीत बरार भी, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, नैथन एलिस को भी जगह दी गई, अर्शदीप सिंह भी नजर आया। तो वहीं बात करें किस किस को बिठाया, तो यहां पर दोस्तों खतरनाक खिलाड़ी को इन्होंने बिठा दिया, फैबियन एलन को बिठा दिया, आदिल रशीद को बिठाया, ईशान पोरल को बिठा दिया, तो इन तीन को बिठाकर ये लाए सामने, क्रिस गेल को लेकर आए और यहां पर एक और वापसी कराई नैथन एलिस की, रवि बिश्नोई की भी इन्होंने वापसी कराई केएल राहुल ने, लेकिन देखते कि वापसी कितनी दमदार साबित हुई। तो यहां पर पहले बल्लेबाजी करने आई पंजाब किंग्स, क्योंकि केन विलियमसन ने जीता था टॉस और उनकी मर्जी वो गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी, तो मर्जी ये कहती है कि उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शारजा का ये वही मैदान है जहां पर 223 रन पहले ही बना चुके हैं पंजाब किंग्स और ऊपर से आपके साथ क्रिस गेल, एडन मार्करम, निकलस पुरन जैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हो और आप खुद केएल राहुल, मयंक अग्रवाल जैसी विस्फोटक जोड़ी हो तो स्कोर 200 की पारी नजर आता है, लेकिन 225 तो छोड़िए, इस मैच में 125 तक ही सीमित रहेगी टीम। 7 विकेट के नुकसान पर फर्स्ट इनिंग के दौरान 125 रन आया, वो कैसे आपको बता देते हैं। हुआ क्या दोस्तों कि यहां पर जो पहला विकेट गिरा वो गिरा केएल राहुल के रूप में, 21 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे थे केएल राहुल, एक पारी की शुरुआत करने की कोशिश थी, लेकिन मैदान इतना अच्छा था, गेंदबाजी इतनी अच्छी हो रही थी कि यहां पर उन्होंने पूरा मौका मिला ही नहीं हाथ खोलने का, लेकिन जब उन्होंने हाथ खोलने की कोशिश की तो सामने थे गेंदबाज जेसन होल्डर, जो कि वेस्टइंडीज़ के खतरनाक खिलाड़ी रहे हैं और कप्तानी भी कर चुके, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इन्होंने झोंका और कैच उठवा दी और केएल राहुल की वे कैच जगदीश सुचित ने बड़े ही शानदार तरीके से पकड़ी, सब्स्टिट्यूट रूप के खेल रहे थे सुचित, लेकिन वो कैच इन्होंने बहुत शानदार पकड़ी, कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूट के रूप में आए, लेकिन इनका आना टीम में बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि इन्होंने आज एक नहीं बल्कि दो कैच पकड़ी, दूसरी कैच तो और भी शानदार थी। लेकिन केएल राहुल जब 21 रन पर आउट हुए तो मयंक अग्रवाल ने भी ज़्यादा देरी नहीं लगाई, 6 गेंदों पर 5 रन मयंक अग्रवाल ने बनाया था, जेसन होल्डर ने इनका विकेट लिया, केन विलियमसन ने पकड़ा कैच और दूसरा विकेट गिर गया। होल्डर का वही पहला ओवर था और उसी में उन्होंने दो विकेट झटक लिए, 4 ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल और 4 ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक अग्रवाल को चलता किया, 26 रन पर केएल राहुल और 27 रन पर मयंक अग्रवाल। अब थे सामने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और एडन मार्करम, इनके कंधों पर दारोमदार था कि ये एक विस्फोटक पारी खेली, लेकिन राशिद खान, अब्दुल समद, जेसन होल्डर, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद ने पूरा मौका दिया ही नहीं इन्हें हाथ खोलने का और यूनिवर्स बॉस का एक समय विकेट लग रहा था कि संदीप शर्मा लेंगे, लेकिन करामाती खान, राशिद खान ने अपनी अच्छी गेंदबाजी दम पर क्रिस गेल को किया चलता, 17 गेंदों पर बनाए थे सिर्फ 14 रन बनाए इस फेज 2 के पहले मैच में, एक चौका देखने को मिला, राशिद खान ने LBW आउट करते हुए चलता किया। एक समय पर लग रहा था कि क्रिस गेल वापसी करेंगे इस मैच में, आगे मदद दिलाएंगे, क्योंकि 4th ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरा विकेट गिरा था, वो 10th ओवर की 4th गेंद तक मैच को ले गए क्रिस गेल और एडन मार्करम। अब लग रहा था कि अब रन मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और ये 64वीं गेंद थी इस मैच की और 64वीं गेंद पर 57 रन पर स्कोर गया, तीसरा क्रिस गेल के नुकसान हुआ विकेट के रूप में। अब सामने एडन मार्करम खड़े थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो मैच को आगे लेके जाएं, सेट हो चुके थे पूरी तरीके से, 32 गेंदों में उन्होंने खेली 27 रन की पारी, अब्दुल समद ने उनका विकेट लिया, एडन मार्करम अपने आप से काफ़ी निराश नजर आए क्योंकि वो और अच्छी पारी खेल सकते थे, क्योंकि अगर 32 गेंद खेल के भी सेट नहीं हुए, आप चौके छक्के नहीं मार पाए तो आपके ऊपर धिक्कार है, क्योंकि एक भी छक्का देखने को नहीं मिला दोस्तों ओपनिंग बल्लेबाजों से। उसके बाद निकलस पूरन आए थे, उन्होंने सोचा कि एक अच्छी पारी खेले और यहां से मैच को अंत तक लेके जाएं अच्छे स्कोर के साथ, मतलब एक होता है कि आप विकेट बचाकर खेलते, एक होता है रन बनाकर खेले, तो यहां पर एक चॉइस बची थी सिर्फ और सिर्फ निकलस पूरन के पास कि जितनी गेंदें बची है उसमें मेरे को चौका छक्का बटोरना है, और निकलस पूरन ने अपनी इंटेंशन साफ करी जब उन्होंने छक्का लगाया, 4th गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुए निकलस पूरन भी,
संदीप शर्मा ने उनका विकेट पकड़ा, कैच भी उन्होंने पकड़ा, विकेट भी उन्होंने लिया। दीपक हुड्डा जब आया तो 10 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रहे थे, चौका इन्होंने लगाया था, लेकिन सुचित की वो शानदार कैच जिसने मैच बना दिया। आखिरी कुछ ओवरों में दीपक हुड्डा मैच को बदल सकते हैं, उनके अंदर हमने देखा भी है पहले मैच के अंदर ये कमाल, लेकिन यहां पर वो भी कमाल नहीं कर पाए। होल्डर ने अपने इस मैच का तीसरा विकेट लिया। हरप्रीत बरार खड़े रहे, 18 गेंदों में 18 रन उन्होंने बनाया। नैथन एलिस ने 12 गेंदों में 12 रन बनाया, आखिरी ओवर में उनका विकेट गिरा था। मोहम्मद शमी बिना खाता खोले खड़े रह गए। जैसन होल्डर की बात करें तो 4 ओवर में 19 रन देते हुए 3 विकेट उन्होंने झटके। राशिद खान ने 1 विकेट झटका, अब्दुल समद ने 1 विकेट झटका, 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने झटका, 1 विकेट संदीप शर्मा ने झटका। खलील अहमद को छोड़कर बाकी सभी गेंदबाज सफल रहे और कप्तान केन विलियमसन के चेहरे पर खुशी रही। 125 रन 7 विकेट के नुकसान पर पंजाब किंग्स ने बनाया फर्स्ट इनिंग के दौरान स्कोर, और ये अपने आप में ही बड़ा इतिहास दोहराने को। लेकिन आप सभी को बता दें, इस समय पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल दोस्तों ये कहती है कि भले ही एसआरएच भले ही 8वें नंबर पर है, लेकिन पिछले सीजन का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो एसआरएच की टीम ने 7 मैच जीत कर भी क्वालिफाई किया था, नंबर 3 पर सीजन का अंत किया था। उनके नेट रन रेट प्लस में थे और 7 मैच जीतने के बावजूद वो क्वालिफाई कर गई थी। 8 में से 1 मैच जीती है, 7 हारी है, और जो 1 मैच वो जीती है वो भी पंजाब किंग्स के खिलाफ ही जीती थी। अब बचे हुए अगर अगले मुकाबले सारे जीतती है अच्छे नेट रन रेट के साथ, तो अभी भी मौका ये नहीं कि बाहर हो गई, अभी भी मौका बन सकता है। लेकिन अगर आज का मैच हारती है तो बाहर हो जाती है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो इनके तो दोस्तों हालात और बुरे नजर आ रहे, क्योंकि इनका 10वां मैच है। 10वें मैच में अगर ये हारती है, 7 मैच हार 3 मैच जीत, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स पूरी तरीके से निराश होगी अपने प्रदर्शन से, क्योंकि जीते हुए मैच आप हार रहे हो तो आपके ऊपर धिक्कार होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों पिछले साल हुए मैच की, इन दोनों के पिछले फेज वन में हुए मैच की, जहां पर पंजाब किंग्स और जब एसआरएच भिड़ी थी तो क्या उस मैच का रिजल्ट निकला था। उस मैच में भी पहले बल्लेबाजी करते पंजाब किंग्स सिर्फ 120 रन बना पाई थी, 10ों के 10ों विकेट झटक लिए थे हैदराबाद ने। सबसे ज्यादा रन उस मैच में शाहरुख खान ने बनाए थे 17 गेंदों में 22 रन, जिनको आप खिला नहीं रहे। उस मैच में मयंक अग्रवाल ने 22 रन बनाए थे, लेकिन 120 रन होते ही कितने, जब चेस करने उतरी हैदराबाद की टीम तो वो मैदान था दोस्तों चेन्नई का, वहां पर चेस करते वक्त सिर्फ एक ही बल्लेबाज आउट हुआ था, वो भी डेविड वॉर्नर, 37 गेंदों में 37 रन बनाया था तभी आउट हुए थे। उसके बाद जॉनी बेस्टो और केन विलियमसन ने अकेले ही मैच जिता दिया। उस समय 56 गेंदों में 63 रन बनाए थे जॉनी बेस्टो ने, 3 चौके 3 छक्के की मदद से। केन विलियमसन ने बनाया था 19 गेंदों में 16 रन और मैच को खत्म कर दिया था 9 विकेट से ही और 10 गेंद करीब 8 गेंद पहले ही। तो ये भी देखते हैं दोस्तों कि कितनी जल्दी यहां पर हैदराबाद की टीम इसको चेस करते, क्योंकि नेट रन रेट की उनकी निगाहें रहेंगी। बल्लेबाजों की बात तो बल्लेबाजी की इनके पास भी कमी नहीं है, डेविड वॉर्नर जैसा खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज इनके पास मौजूद है, केन विलियमसन जैसा खतरनाक सुलझा हुआ इंसान मौजूद है जो अपनी बल्लेबाजी से सबका दिल मोह लेता है, साथ ही साथ मनीष पांडे जैसा खतरनाक खिलाड़ी वृद्धिमान शाह भी है, जैसन होल्डर लंबे लंबे हिट लगाकर मैच को पहले खत्म कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं कि कितनी जल्दी यहां पर हैदराबाद की टीम मैच खत्म करने की ओर देखती है। अगर मैच जल्दी खत्म करेगी, नेट रन रेट मिलेगा प्लस 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो एक इनकी तरफ निगाहें रहेंगी। लेकिन हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शमी को ना भूले, जिन्होंने आखिरी कुछ ओवरों में मैच पलटा था। भले ही राजस्थान से वो मैच हार गए, लेकिन हर्षदीप सिंह और मोहम्मद शमी ने अपना 100% दिया था। तो 126 रन चेस करना है दोस्तों यहां पर पंजाब किंग्स के खिलाफ हैदराबाद की टीम को। आप क्या लगता है कितने ओवर में चेस कर लेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।